जी, कुछ रोज़ पहले मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ और दुख हुआ ये सुन के कि कई लोग, खसूसन पीटीआई वाले जो कि पीटीआई के को फॉलो करते हैं, उनमें से कई लोगों ने नवाज शरीफ को बुरा भला कहा। यहाँ पे लंदन में कहते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग नवाज शरीफ कुत्ता, नवाज शरीफ कुत्ता, इस किस्म की आवाज़ें लगा रहे थे, जिस पे मुझे सख्त एतराज़ है कि आप कम से कम ये सोचें कि आप नवाज शरीफ को कुत्ते के साथ कैसे मिला रहे हैं। आप देखें, दुनिया में जितने भी जानवर पाए जाते हैं, आपको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि कुत्ता जो है वो एक वफादार जानवर माना जाता है, जाना जाता है। इसमें आपको कोई शक तो नहीं है ना? गीदड़, शेर, चीता, हाथी, कोई जानवर ले लें, पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब इसको नवाज शरीफ से तशबीह देना या मानना मेरी समझ से बाहर है। कुत्ता तो एक वफादार जानवर है, ये नवाज शरीफ से आपके लीडर जो पाकिस्तानी अवाम को भंवर में डाल के खुद 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके सऊदी अरब चले गए, तो ये क्या इनकी वफादारी थी? और फिर कहते हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उस पर झूठ बोला कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो कि सऊदी अरब वालों ने दिखाया। फिर जब निकले, उसके बाद 7-8 साल बाद पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, तो उनको वापस भेज दिया गया सिर्फ इस बात पर कि आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि आप 10 साल तक पाकिस्तान में दाखिल नहीं होंगे। फिर अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जब इनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हुए, जेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो फिर इन्होंने, कोई कहते हैं जी इमरान खान ने जाने दिया, कोई कहते नहीं जी इमरान खान की क्या ज़रूरत थी, इस्टेब्लिशमेंट में नहीं जाने दिया उसको, तो तब भी ये भगोड़ा निकल गया। तो अब ये वफादार आदमी तो नहीं है, लिहाजा इसको आप कुत्ते के साथ नहीं मिला सकते। दूसरी जो मैं आपको बात बताऊं कि कुत्ते का जिक्र कुरान पाक में है, कुत्ते का मुकाम देखें आप कि उसका जिक्र कुरान पाक में है। सूरह काफ में असहाबे काफ का जब जिक्र होता है तो साथ में कुत्ते का भी जिक्र होता है कि 6 लोग और साथ उनका वफादार सातवां कुत्ता, या 7 लोग का मेंशन किया गया है। खैर, तो लिहाजा कुत्ते को आप इतना जलील ना करें कि उसको आप नवाज शरीफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नवाज शरीफ जिस किस्म का आपका मोहसिन बनना हुआ है, आपकी नज़र में आप अंधे नहीं हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये कितना मतलबी, खुदगर्ज और मुल्क को लूट कर जाने वाला ये शख्स है। और अब वो जी कहता है जी मैंने सदर बन गया और ये बन गया, वो बन गया, सब बकवासियात हैं। तो लिहाजा आप इसको शेर कहें, गिदड़ के लोमड़ी कह सकते हैं, आप लोमड़ी मिला सकते हैं, लेकिन अज़राहे करम, बराहे करम नवाज शरीफ को कुत्ते के साथ कंपेयर करके कुत्ते की तौहीन नहीं करें प्लीज़।